आज हम बात करने वाले इलायची के फायदे के बारे में। तो आज के डिस्कशन में हम यही बात डिस्कस करेंगे कि इलायची खाने के क्या फ़वाद होते हैं। तो यूजली इलायची जो होती है बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट पावर पैक्ड होती है, तो इसके अंदर जो है बहुत सारी खसूसियात होती हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो इसकी एक बड़ी खसूसियत होती है वो ये होती है कि ये डायूरेटिक होता है, और ये ब्लड प्रेशर को कम करने में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। डायूरेटिक वो चीज़ होती है जो कि आपका यूरिन ज़्यादा पास करवाती है। तो जब आपका यूरिन ज़्यादा पास होता है तो आपका ब्लड प्रेशर जो है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, क्योंकि आपका जो फ्लूइड होता है, पानी, वो निकलता है, तो आपका ब्लड का प्रेशर जो है वो कम हो जाता है। तो इस वजह से जो है ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, और इस पे बाकायदा रिसर्चेस भी हुई हुई हैं। कुछ लोगों को जो है वो 3 ग्राम तक जो है वो इसका इलायची का पाउडर दिया गया 12 हफ्तों तक, तो उनका बहुत ड्रास्टिकली जो है वो ब्लड प्रेशर कंट्रोल हुआ। तो इस वजह से आप इसको ब्लड प्रेशर कम करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और एज अ डायूरेटिक भी यूज़ कर सकते हैं। जिनको जैसे बहुत ज़्यादा यूरिन का मसला होता हो या सही से पास ना होता हो, तो वो लोग भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा इसकी जो दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा होता है वो ये होता है कि ये एंटी ऑक्सीडेंट होता है और एंटी कैंसर भी होता है। ख़ास तौर पे ये मुंह के कैंसर के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इसके अंदर ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि एंटी ऑक्सीडेंट होते हैं। उसके अलावा ये एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होता है, सोजिश को ख़त्म करने में मदद करता है, पेट के मसाइल के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके अंदर ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कि डाइजेशन के अंदर मदद करते हैं, हाजमे को अच्छा करते हैं। उसके अलावा ये जिन लोगों को नौजिया, वॉमिटिंग इस तरह का इशू ज़्यादा रहता है, बहुत ज़्यादा मतली वगैरह होती है, तो वो भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको भी ये कंट्रोल करने में मदद करता है। उसके अलावा जो है इसके अंदर एक ये भी खसूसियत होती है कि जिनको फैटी लिवर डिजीज़ होती है तो उनके ट्राइग्लिसराइड्स को कम करने में भी ये काफ़ी हद तक हेल्पफुल होती है। और उसके अलावा जिन लोगों के मुंह से स्मेल आती है तो ये ब्रेथ फ्रेशनर का काम भी करता है, तो वो इसको च्यू कर सकते हैं। और जिन लोगों को और इस तरीके के मसले होते हैं, इन्फेक्शंस बहुत जल्दी जल्दी जो कैच करते हैं, तो वो भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। और जो लोग सिगरेट छोड़ना चाह रहे होते हैं तो वो भी इसको एज अ ऑल्टरनेट ले सकते हैं। इसके अंदर कैल्शियम की बहुत अच्छी क्वान्टिटी होती है, इसके अंदर फाइबर बहुत अच्छी क्वान्टिटी में होता है, फॉस्फोरस होता है, मैग्नीशियम होता है, तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स भी इसके अंदर होते हैं।